कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज फार्माकोजेनोमिक्स और फार्माकोजेनेटिक्स? एनीवन? देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन. किसी ने तो पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? नो नोबडी. सर, स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ड्रग रिस्पांस. शाबाश. कैन यू कोट एनी एग्जांपल? ओके, बड़ा अच्छा बताया जी आपने. स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ड्रग रिस्पांस. एक्सीलेंट डेफिनेशन. शाबाश बेटा. नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. फार्माको एंड जीनोमिक्स. फार्माकोलॉजी एंड जीनोमिक्स. Genome is the total DNA content of the body and pharmacology is the pharmacology. So like the student defined it, that study of all the genetic factors on the responses of the drugs. So this is what we will study, and it is an important aspect of pharmacology, because when we were discussing the control dose response curve, we had discussed that population based responses, they are very different from the individual responses. We had also discussed that the response to a certain concentration of drug, it is different in different sets of groups in the population. Some people, they show less response to the same drug, whereas some people, they show increased response. Some people, they do not show the response at all. This variability we had discussed in the control dose response phenomena. So we will elaborate that phenomena इन दिस डिस्कशन. तो बेटा आपने एक बड़ी ही कॉमन सी चीज जो है इनकाउंटर की होगी, खबरों में चल रहा होता है अक्सर, या आप न्यूज में देखते हैं कि जी एक न्यूज आती है कि जी गलत इंजेक्शन लगने से पेशेंट की डेथ होगी. ये बड़ी फेमस न्यूज थी कि गलत इंजेक्शन लगने से 9 माह की बच्ची नशवा इंतकाल कर गई थी कराची में, आई थिंक. तो Can anyone tell me, is it true कि गलत इंजेक्शन लगने से कोई मर सकता है, और इससे क्या मतलब है गलत इंजेक्शन? You can unmute your mic and you can comment on this. First of all, is this true that someone can die due to wrong injection? Yes, ठीक है. Yes, it is true. If the drug is ओके, क्यों गलत इंजेक्शन लगने से डेथ क्यों हो जाती है? सर रिएक्शन हो जाता है. जी बेटा. सर रिएक्शन हो जाता है ड्रग वगैरह का या इंजेक्शन का. और तो इसमें गलती किसकी होती है फिर, अगर रिएक्शन हो जाता है पेशेंट की डेथ हो जाती है? नहीं बता. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो देयर आर इंजेक्शन रिलेटेड डेथ्स. आप इंजेक्शन को ड्रग रिलेटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि इंजेक्शन से डेथ हो. आपने कोई मेडिसिन ली, ओरल मेडिसिन ली, और उससे अगर डेथ हो गई, सो देयर आर पॉसिबली टू मेन कॉजेज. ठीक है, देयर कुड बी अदर कॉजेज, बट देयर आर पॉसिबली टू मेन कॉजेज ऑफ ड्रग रिलेटेड डेथ्स. नंबर वन ऑन द लेफ्ट साइड, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ. सबसे पहले रीजन, अगर मेडिकल स्टाफ ने कोई गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल टुगेदर आपने कोई गलत मेडिसिन दे दी, मतलब देनी कुछ थी और आपने कुछ दे दिया. लेट्स सपोज आपने पेशेंट को देना था 25% डेक्सट्रोज वाटर कैंप्यूल, और आपने गलती से उसको एडमिनिस्टर कर दिया KCL कैंप्यूल, पोटेशियम क्लोराइड. दिस इज द फर्स्ट नेग्लिजेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ, कि आपने सही से पढ़ा नहीं, जस्ट बिकॉज के उन दोनों की जो अपेयरेंस थी दोनों एम्प्यूल्स की वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, आपने गलती से कोई और एम्प्यूल उठा लिया और आपको पता नहीं चला, और आपने गलत जो है मेडिसिन एडमिनिस्टर कर दी, और ऐसा होता भी है. ठीक है, दूसरा आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जो है राइटली सिलेक्ट नहीं किया. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग है डाइक्लोरान, इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है. डाइक्लोरान इंजेक्शन को हम दो रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं. Either we can administer the diclorone injection intramuscularly, or we can
गिव द डाइक्लोरान विया स्लो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन. हम देखो अगर ड्रिप चल रही होती है और ड्रिप के अंदर सर्टन टाइम इंजेक्शन को हम इन्फ्यूज कर देते हैं, फिर ड्रिप आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है, एक घंटा दो घंटे में वो जो ड्रिप होती है और उसमें जो इंजेक्शन होता है वो पेशेंट के अंदर चला जाता है. सो वी कैन गिव डाइक्लोरान बाई टू रूट्स, नंबर वन इंट्रामस्कुलर, नंबर टू स्लो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन. अब अगर हम यही सेम डाइक्लोरान, आपने अगर ये सोचा कि ये इंजेक्शन इसको हम अगर हम आईवी ड्रिप के अंदर दे सकते हैं तो क्यों ना हम इस इंजेक्शन को वैसे ही आईवी लगा दें, फॉरन से पहले लगा दें, देन यू आर थिंकिंग रॉन्ग. बिकॉज इफ यू विल डू सो देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट कैन डाई ऑन द स्पॉट. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लैक ऑफ डायरेक्शंस कि आपने अज्यूम कर लिया कि जी अगर ड्रिप में जा रहे हैं इंजेक्शन तो वैसे आईवी लगा दें और ऐसा हो जाता है. ठीक है, so this is also the negligence on behalf of medical staff. Secondly, patient can die due to pharmacogenomic drug reaction. Patient को severe reaction हुआ, उसमें डॉक्टर का या medical staff का fault नहीं होता, because you cannot forecast or you cannot tell beforehand that whether a reaction will occur in this particular patient or not. No one can tell. No one can guess the genetic responses. No one can prevent them beforehand because you can do nothing. उस केस के अंदर ऐसा होता रेयरली है वैसे, but in that particular case, the medical staff cannot be blamed. So these are the two main causes of drug-related or injection-related deaths. But there are many other factors also. But these are the two primary or salient causes of this problem. So next, why this happens? Why? Why metabolism of ethanol is faster in men as compared to women? So again, genetic differences. The ethanol, it is alcohol consumption, ethanol, it is metabolized by aldehyde dehydrogenase enzyme. One of the metabolic enzyme is aldehyde dehydrogenase. The second one is the alcohol dehydrogenase. And I am talking about aldehyde dehydrogenase. ठीक है बेटा? As you can see, sorry, I am talking about alcohol dehydrogenase. There are two enzymes which metabolize the ethanol. The first one is alcohol dehydrogenase. The second one is the aldehyde dehydrogenase. Based upon genetic differences in men and women, the aldehyde dehydrogenase expression is different in men and in women. In men, the aldehyde, sorry, barbar aldehyde keh raha hu. In men, the alcohol dehydrogenase levels, they are higher as compared to women, and it is based purely on the genetic buildup or the genetic makeup. We cannot change this. Ab ek male जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं अल्कोहल की उतनी सेम क्वांटिटी अगर हम फीमेल को दे देते हैं तो उसके अंदर हायर इफेक्ट्स आएंगे अल्कोहल के. व्हाई? बिकॉज द मेटाबॉलिज्म इज स्लो ड्यू टू द डिक्रीज कंटेंट ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन फीमेल्स. सो दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स दैट व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई मेटाबॉलिज्म ऑफ एथेनॉल इज फास्टर इन मेन एज कम्पेयर टू वीमेन. तो जो अल्कोहलिक मैन एंड वीमेन है उनको आपस में शर्त नहीं लगानी चाहिए कि कौन आज ज्यादा अल्कोहल पिएगा पार्टी में, बिकॉज फीमेल के अंदर इसके एडवर्स इफेक्ट जल्दी आए बिकॉज ऑफ पुअर मेटाबॉलिज्म. बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा. व्हाई डू टॉक्सिक ड्रग रिएक्शंस अकर इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? देयर आर मल्टीपल रीजंस दैट व्हाई डू टॉक्सिक ड्रग रिएक्शंस अकर. The first one is drug due to drug allergy or drug hypersensitivity. Allergy, hypersensitivity, beta same चीज है. अब ये क्या होती है मैं बताता हूँ आपको आगे. Secondly, toxic reaction they can occur due to drug idiosyncrasy. Thirdly, they can there are types of toxic drug reaction. For example, Steven Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. I'm going to show you the pictures of Steven Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. You will then come to know that to which extent these drug reactions they can be harmful and they can affect the patient's quality of life. But before that, can any one of you explain the difference between drug hypersensitivity and drug idiosyncrasy? Anyone?
No. Okay. Let me tell you. First of all, hypersensitivity. Hypersensitivity is defined as the exaggerated, or in simple words, increased immune response to stimuli or the antigens. Simply. आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन जाता है, कोई भी जर्म जाता है, कोई भी टॉक्सिन जाते हैं, देन आवर बॉडी इट रिएक्ट्स, आवर इम्यून सिस्टम इट रिएक्ट्स. दिस इज नॉर्मल. बट हाइपर सेंसिटिविटी इज बियॉन्ड नॉर्मल, अबव नॉर्मल. ठीक है, जैसे आप दो दोस्त बैठे हैं और आप दोनों को एक बात बताते हैं, एक उसको कैजुअल लेते हैं, दूसरा लड़ना शुरू कर देता है. जो लड़ना शुरू कर देता है तो आप उससे कहते हो, यार तो इतना सेंसिटिव क्यों बन गए, आम सी बात बताइए, इतनी सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं इसके अंदर. सो दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स. ठीक, सो हाइपर सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी. बहुत डिटेल आपको भी समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा होगा पैथोलॉजी में. इट हैज फोर टाइप्स, टाइप वन, टाइप टू, थ्री एंड फोर. बट जो इसकी चार की चार टाइप्स हैं, दे आर इम्यून मीडिएटेड. ठीक है, मैंने डिफाइन भी इसको ऐसे किया था, हाइपरसेंसिटिविटी इज द एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, ड्रग इडियोसिंक्रेसी और हाइपरसेंसिटिविटी में जो पहला डिफरेंस है, दैट इज एनी फिजिकल रिएक्शन ड्यू टू ड्रग एक्सेप्ट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, दैट इज ड्रग इडियोसिंक्रेसी. और कोई रिएक्शन होता है, कोई भी और चीज होती है, बट उसमें इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ना हो, सो दैट इज इडियोसिंक्रेसी. एंड in many of cases, the idiosyncratic drug reactions, they are due to genetic issues. किसी एक patient में होगा, दूसरे patient में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर genes involved हो जाते हैं. ठीक है बेटा, so this is the basic difference. This is the example of Steven Johnson syndrome. Certain drugs, they can cause this syndrome. For example, certain HIV medicines, reverse nucleoside transcriptase inhibitor drugs, NRDIs, abacavir, they are notorious to cause this syndrome. Sulfonamides, they can cause this Steven Johnson syndrome. Sulfonamide is antibiotic. So this is the reaction which happens, which occurs in patients. In some patients, not in all patients. अगर ये सब patients में होता तो फिर हम कभी भी वो drug market ना करते, उसको ban कर देते. But अब जिन patient में हो जाता है, उसको हमने कैसे prevent करना है? We cannot prevent because it is due to the genetic differences, rarely occur होते हैं ये पे. ठीक है, and this is the example of toxic epidermal necrolysis. Necrolysis means necrosis. ठीक है, necrosis से है, necrosis and lysis. Necrosis क्या होता है बेटा? ischemic cell death. आप देख सकते हैं कि इस patient के अंदर, follow the contour please, ये epithelium है ना, epidermis, not epithelium, epidermis, the first layer of skin. This epidermis has been removed in this patient on a very large area on his back. This removal of epidermis is due to the necrolysis. Necrosis hui, epidermis dead hogi, aur lysis ka matlab kya hota hai ji, breakdown hona. Theek hai, sabse pehle epidermis ki death hui, theek hai, aur uske baad uski breakdown hui. Jab breakdown hui epidermis ki, to wo fir wahan se peel off hona shuru ho gayi. This is also called TEN syndrome, toxic epidermal necrolysis. There are many drugs which cause this syndrome, and we cannot forecast or we cannot tell beforehand ki kis patient mein hoga ki nahi hoga. So, but this is very severe reaction, and this is again one of the example of pharmacogenomics, why it occurs in some patient, why it doesn't occur in other patient. This is the this diagram, it tells us the difference between Steven Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. In certain patients, both the syndrome can occur simultaneously, and in certain patients, these syndromes, they overlap, and sometimes it becomes very difficult to differentiate in between these two syndromes because of overlapping. So let's define some terminologies. What is gene and allele? Everyone knows gene is the basic unit of DNA. One of the unit of the DNA, and every gene has two alleles. So everyone knows it. What is mutation? Mutation means change or the difference. So any difference in the DNA code that occurs in the genome of below 1% of population, that is called mutation. Theek hai? This is the mandatory condition that in some population, if you are labeling that some DNA is mutated,
then it should be affecting below 1% of population. Then we will say that it is mutated. But what will we label the? But what will we label if the if the change in the DNA code is occurring in the population in more than 1% of the population? Then we have another terminology which is called as polymorphism. So as you can see, the definition is difference in the DNA code that occurs in more than 1% of population. So this is the difference between mutation and polymorphism. What is SNP? SNPs, single nucleotide polymorphism. A single DNA base pair substitution in the genome that occurs in above 1% of the subjects or the population. So we can say that SNP, single nucleotide polymorphism, इसमें एक तो चीज कंफर्म होगी कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है. अब पॉलीमॉर्फिज्म है तो ये अबव 1% ऑफ पॉपुलेशन में होगी, ये तो कंफर्म हो गया. बट सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है बेटा कि सिंगल डीएनए बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हो, मल्टीपल लेवल्स पे ना हो, मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व ना हो, मल्टीपल डीएनए बेस पे इन्वॉल्व ना हो, सिंगल हो, ठीक है. एंड हैपनिंग इन मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, देन वी विल से वी विल लेबल इट एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. Okay, the other terminology is poor PM, poor metabolizer, IM, intermediate metabolizer, extensive metabolizer, and ultra rapid metabolizer. अब हम एक patient के अंदर की medicine देते हैं या एक population के अंदर हम एक medicine देते हैं, तो हम उसमें उसको study करते हैं. तो जब study करते हैं metabolism को, then we come to know that in some sets of persons in the same population, some people they are metabolizing the drug at a very poor rate, and some sets of people in that population they are metabolizing the drug at very ultra rapid rate. So poor metabolizer, less drug will be metabolized, and in ultra rapid metabolizer the drug will be metabolized at an extensive level. Aur iske beech mein jo hoga that will be the intermediate metabolizer. Isse hame ye pata chalta hai ki ji hum ek same concentration of drug de rahe hain, aur jo poor metabolizer hai wo drug ko slowly metabolize kar raha hai, to uske andar half life badh jani same drug ki. Why? Because the drug is being metabolized at a very slow rate, and the concentration of the drug in the blood will be high, and there are chances of the side effects and toxic reaction in those persons who are metabolizing the drug at a very slow rate. Whereas the person who are ultra rapid metabolizer, in those person the concentration of the drug in the blood will be less, because they are metabolizing the drug at a very very high rate, and there are chances of therapeutic failure. Because jitni ek hame drug chahiye blood ke andar aur jitne time ke liye chahiye utne time ke liye nahi rahegi, because of decreased half life due to the ultra rapid metabolism of drug in the blood or in the body. तो अब हमें ये पता नहीं होता, ठीक है. अब मैं आप एग्जांपल देता हूँ. आइसोनियाज़िड एक ड्रग है विच इज़ वन ऑफ द वेरी प्रिंसिपल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी ट्रीट करने के लिए देते हैं आइसोनियाज़िड INH. अब आइसोनियाज़िड जिनके अंदर पुअरली मेटाबलाइज होगी उनके अंदर आइसोनियाज़िड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, टीबी तो ट्रीट हो जाएगी बिकॉज द लेवल ऑफ ड्रग इज बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स. But the chances of developing adverse effects in that person, they are very very high. Whereas the person who are ultra rapid metabolizer of same drug isoniazid, in those person the chances of side effects they are very less, because the levels of drug in the body they are below normal due to the extensive and ultra rapid metabolism. Ab side effects ke chance kam hoga, but disadvantage kya hoga, in the same patient the TB will not be treated effectively. So ये हम टर्मिनोलॉजी आगे काफी यूज करेंगे, इसलिए कुछ इनको डिस्क्राइब कर दिया. नेक्स्ट इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स और जीनोमिक्स, व्हाट इज फार्माकोजेनेटिक्स एंड व्हाट इज फार्माकोजेनोमिक्स. सबसे पहले बेटा जब हम जो टर्मिनोलॉजी आई थी डेट, सबसे पहले तो कुछ भी नहीं था कि फार्माकोलॉजी और जेनेटिक्स का आपस में कोई लिंकअप है. बट आहिस्ता आहिस्ता फार्माकोजिनोम जेनेटिक्स जो है ना उसको हमने स्टडी करना शुरू किया, ठीक है. ये टर्मिनोलॉजी पहले आई थी, बुक्स में फार्माकोजेनेटिक्स लिखा होता था, अब फार्माकोजेनोमिक्स कहते हैं. व्हाट्स द डिफरेंस? देखो जब शुरू शुरू के अंदर इस चीज को स्टडी करना शुरू किया, इफेक्ट ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस ऑन द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, देन द साइंटिस्ट एंड द रिसर्चर्स दे केम टू नो दैट
सिंगल जीन वेरिएशन इन पर्सन दे कैन काज वेरिएशन इन द ड्रग रिस्पॉन्स. शुरू शुरू में आइडेंटिफाई किया तो एक ही जीन आइडेंटिफाई किया उन्होंने, बट आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि नहीं एक जीन नहीं है, इसमें तो मल्टीपल जीन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. मल्टीपल लेवल पे जीन्स के अंदर जीनोम में डीएनए में म्यूटेशंस और पॉलीमॉर्फिज्म हो सकती हैं. देन दे रीडिजाइंड और रीडिफाइंड द टर्मिनोलॉजी एज फार में कुछ जीनोमिक्स कि होल जीनोम कैन बी इन्वॉल्व, नॉट होल जीनोम, मल्टीपल जीन्स इन द जीनोम कैन बी इन्वॉल्व. सो दिस इज द डिफरेंस. What is pharmacogenetics and what is pharmacogenomics? If we are studying the genetic differences at multiple levels of genes, then this is called as pharmacogenomics. जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास pharmacogenetics थी, then the evolution, and then the research, and the personal interest of the researchers. They helped us to redefine it into the terminology which is called the pharmacogenomics. So as you can see, in pharmacogenomics, we study the many variants in many genes, whereas in pharmacogenetics, we used to study the single variant of a single gene. Ab pharmacogenetics nahi, ab pharmacogenomics hi apply hota hai. Okay, ab yahan pe question ye aata hai ki ye pharmacogenetics जो थी उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी. बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फार्माकोजेनोमिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फार्माकोजेनेटिक्स कि ये टर्मिनोलॉजी बनी ही कैसे. आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं प्री जीनोमिक्स. प्री जीनोमिक्स का मतलब ये है कि जब हमने ये बात नहीं की थी कि जो जीन्स होते हैं वो ड्रग के रिस्पॉन्स को, चाहे थेरापेटिक रिस्पॉन्स हो चाहे टॉक्सिक रिस्पॉन्स हो, उसको इफेक्ट करते हैं, तो प्री जीनोमिक्स की बात कर रहा हूँ. आप देख सकते हैं जी कि ये पॉपुलेशन है हमारे पास, हमने ड्रग दी तो एक बंदा मर गया और ये पांच छह बंदे जो हैं ये बच गए और बिल्कुल ठीक रहे. तो सो दिस इज द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. हमें जो नजर आ रहा है कि नजर में क्या आया कि एक ड्रग दी तो एक बंदा मर गया और बाकी सारे बच गए. तो नीचे ग्राफ भी बना हुआ है फ्रीक्वेंसी का कि कितने परसेंट जो है वो डेड हो गए और कितने परसेंट जो है उनके अंदर इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो गई या एटलीस्ट वो मरे नहीं. तो दिस इज द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. तो हमें सिर्फ ये पता था या नजर आता था. तो जब हमने फार्माकोजेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी बना ली, अब राइट साइड पे आ जाओ, ठीक है, पोस्ट जीनोमिक्स. पोस्ट जीनोमिक्स का मतलब ये है कि व्हेन वी हैव फॉर्मुलेटेड द टर्मिनोलॉजी फार्माकोजेनेटिक्स, फिर हमने जब हमने जीन्स को स्टडी करना शुरू किया, देन वी केम टू नो दैट देयर इज डिफरेंस इन द जीनेटिक बिल्डअप इन द पर्सन हु हैड डाइड. आप देख सकते हैं इसमें गोनिन बेस है सेम जीन के अंदर, बाकी सबके अंदर टी है, थायमिन बेस है. So we started to compare the phenotypes in the genotypic groups. So ये जो genotypes हैं हमारे पास सारी, ठीक है, patients की, इन genotypes को हमने we started to compare the phenotypes apparently कि जो जो हमें नजर आ रहा है कि कौन मर गया कौन बच गया, उनको हमने compare करना शुरू किया at the genetic level. When we started to compare at genetic level, then we started to excel in the pharmacogenetics. और फिर हम करते करते हमें पता चला कि जी सिंगल जीन नहीं, मल्टीपल जीन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. देन वी फॉर्मुलेटेड द टर्मिनोलॉजी फार्माकोजेनोमिक्स. सो नाउ वी डिफाइन द फार्माकोजेनोमिक्स एज द इफेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स जीनोटाइप ऑन द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स ऑफ ड्रग एक्शन. ठीक है, अब जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ. जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है उसमें हम चार चीजें पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. और जो फार्माकोडायनामिक्स है उसके अंदर हम पढ़ते हैं जी इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द साइड इफेक्शन और ऑन द टारगेट. तो जैसे कि मैंने डिफाइन किया कि इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जीनोटाइप ऑन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ ड्रग एक्शन. अब अगर हम एक ड्रग देते हैं पॉपुलेशन को, उस पॉपुलेशन के अंदर एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों के अंदर एब्जॉर्प्शन हाई हो सकती है, कुछ में एब्जॉर्प्शन लो हो सकती है, कुछ में एब्जॉर्प्शन नहीं भी हो सकती. उसके बाद आता है जी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन. तो किसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लो हो सकती है, किसी में डिस्ट्रीब्यूशन हाई हो सकती है. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन देन वी कम विद द
नेक्स्ट पैरामीटर फार्माकोकाइनेटिक्स व्हिच इज द मेटाबॉलिज्म, डिटेल में बात की कि कुछ पोअर मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं, कुछ इंटरमीडिएट, कुछ अल्ट्रा रैपिड। इसी तरह कुछ पेशेंट के अंदर एक्सक्रीशन रैपिड हो सकती है, कुछ पेशेंट के अंदर एक्सक्रीशन स्लो हो सकती है। सो ऑल द फोर पैरामीटर्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स दे कैन बी डिस्टर्ब, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो बट एट दिस पॉइंट वी शुड हैव कॉन्सेप्ट दैट ऑल द फोर पैरामीटर्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स दे कैन बी प्रॉब्लमैटिक। और इसी तरह फार्माकोडायनामिक्स के अंदर ड्रग ने जिस रिसेप्टर पे जाके एक्ट करना है, दैट रिसेप्टर कैन बी मॉडिफाइड, ड्रग का एक्शन बहुत कम होगा या नहीं होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसेप्टर। दूसरा, रिसेप्टर के फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। सो समराइजिंग दैट, आई एम रीडिंग दिस लाइन वंस अगेन, द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जीनोटाइप ऑन द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक पैरामीटर ऑफ ड्रग एक्शन। सो देयर this pharmacogenomics can be studied at multiple levels including pharmacokinetics and pharmacodynamics. What are our goals of pharmacogenomics? Our goals are that we want the drug to be efficacious maximally in all the population, and we also want to minimize the drug toxicity in all the population, and we also want to predict the patients who will respond to the intervention. अगर किसी patient में reaction हो गया है तो हम ये चाहते हैं कि हम पता चल जाए कि किस patient के अंदर अगर हम कोई intervention करें या कोई treatment करें तो उससे वो patient ठीक हो सकता है, या हमें ये पता हो कि जी अगर किसी patient के अंदर reaction हो सकता है तो हम उसके अंदर क्या modification करें जिससे patient जो है वो respond करना शुरू कर दे to the treatment. For example, हमें अगर पहले से पता हो कि ये जो patient है ये poor metabolizer है तो उसके अंदर हम dose of drug बहुत ज्यादा देंगे, सॉरी उसमें हम डोज ऑफ ड्रग बहुत कम देंगे क्योंकि वो पुअर मेटाबॉलाइजर है, एंड दैट पर्सन विल मेंटेन द हाई लेवल्स ऑफ ड्रग इन द ब्लड एट वेरी लो थेरेप्यूटिक डोजेस, ठीक है। इसी तरह जो पेशेंट जो है वो अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलाइजर है, उसके अंदर हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाने के लिए जो ड्रग की अमाउंट है वो नॉर्मल से ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज आवर वन ऑफ गोल्स। सो एड इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट, व्हाट आर द होप्स ऑफ फार्माकोजिनोमिक्स, व्हाट वी होप in future, we hope that we will be able to maximize the efficacy and we will be able to minimize the side effects in population or in those persons more particularly who have mutations or polymorphisms in their gene. So how do we know if a patient will respond or have an adverse response to a drug? There is no way to tell, we don't know, ठीक है। हम किस patient को drug दे रहे हैं हमें नहीं पता कि उसके अंदर थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स है वो अच्छा आएगा या उस पेशेंट के अंदर एडवर्स रिस्पॉन्स है वो कम आएगा, ज्यादा आएगा, टॉक्सिक आएगा, वी डू नॉट नो। बट फार्माकोजिनोमिक्स जो है वो अब ऐसा इतनी इवॉल्व कर रही है कि इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू टेल दैट वेदर देयर विल बी प्रॉब्लम टू अ स्पेसिफिक पर्सन और नॉट। व्हाई डू दीज वेरिएशन अकर इन ड्रग इफेक्ट्स, वन ऑफ द फैक्टर इज द फार्माकोजिनोमिक्स, हमने बात कर ली कि जो ड्रग इफेक्ट्स जो है उनके अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच कैन काज वेरिएशन, वन इज द पैथोजेनेसिस एंड द सेवेरिटी ऑफ डिजीज बीइंग ट्रीटेड। डिजीज की वजह से भी ड्रग के लेवल्स कम ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको है लिवर फेलियर, उसमें हमको ड्रग देते हैं और मेटाबॉलिज्म जो मेन साइट है वो लिवर है, तो अब उस पेशेंट के अंदर ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाना है, एंड देयर विल बी हाई लेवल्स ऑफ द ड्रग्स इन द ब्लड just because there is liver failure. If the patient uska renal failure hai, and if you know that the drug which is being given is primarily excreted from the kidneys, then due to renal failure the drug will not be excreted effectively and there will be high levels of drug in the blood. So this is one of the factor which also causes variation in the drug effects, pathogenesis and severity of the disease being treated. Other effect is the drug interactions from concomitant treatments. कि आप दो तीन problems को एक साथ treat कर रहे हैं, patient को blood pressure भी है, patient को ischemic heart disease भी है, patient को diabetes भी है, patient को acid peptic disease भी है, और आप इन चार पांच चीजों को इकट्ठा treat कर रहे हैं। जब एक साथ treat करते हैं then drug they interact with each other. तो drug drug interaction की वजह से भी drug के response के अंदर variability आ सकती है। And then individual age, gender, lifestyle, behavior, nutritional state, renal and liver functions, and simultaneously multiple illnesses. These are other factors which can cause variation in the drug effects. And in the last, which we are discussing, is the genetic variation. The variation in the genetic buildup of the population, it can also cause this effect.
that's why the new terminology personalized medicine is being introduced and it is very much in practice nowadays. ठीक है, personalized medicine, stratified medicine or precision medicine is the medicine which is given to specific person for a specific illness for a specific period of time. ये हर बंदे की अपनी अलग अलग medicine होती है.